यहाँ का फिर से कुछ ना कुछ जल गया। हमारा पाव भाजी खाइए बनाइए। Hey guys, welcome back Rajput Family Blog। तो आज फिर लेके हम आ गए हैं न्यू ब्लॉग। ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारी रिया दीदी बनाएंगी खाना। अभी क्या बनाएंगी इनको तो खुद नहीं मालूम होता है कि ये क्या बनाती है, तो चलिए इनके साथ देखते जाते हैं क्या बना रही है। तो ये बोलिए प्रेम से राधे राधे बांके बिहारी की जय। और यहाँ मैंने देखा रिया दीदी मटर को छील रही है, चलिए इनकी हेल्प करवाते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगी। तो इसको पहले रेडी करके फिर आपको दिखाते हैं कि हम बनाते क्या हैं, ठीक है? तो वीडियो में बना रही है, लास्ट तक देखिएगा आज हम बनाने वाले क्या हैं। थोड़ा सा रिया दीदी को टिप्स भी चाहिए है ना बहन? नहीं चाहिए? रिया दीदी इंस्टाग्राम की फैन है, एक दिन में सब कुछ सीख जाती है गाइस। पांच मिनट का वीडियो नहीं, 15 सेकंड का वीडियो होता है बहन, उसमें ही तो सब 5 सेकंड में सीख गई मैं। तो 5 सेकंड में तो सीख जाती है। यहाँ मैंने देखा दीदी आलू भी छिल रही है और इसमें देखिए क्या क्या डाल रखी है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, गाजर है, मटर भी है और इसमें जाएगा हमारा इस तरह से हमारा आलू जाएगा इसके अंदर। ये मैंने नाखून लगाया था यार, अच्छी लग रही है। तो गाइस यहाँ दीदी ने डाला पानी, कितना गर्म पानी इसमें उबाल दे दी होती। खाना बनाने से दीदी को आता है, मान गई मैं, मतलब संडे फूल ही स्पेशल था। कल में लात भी कल के लिए बन रहे। कितनी बहन अब प्याज किस लिए? तो किसने पड़ेगा कर्ण काम से कारण बोली हूँ कारण। ये देख रहे हैं लाइन से धनिया पत्ता प्याज सब कट चुका है। ये देखो चुटिया बांध रखा है, ये का बराबर लग रहा है बिल्कुल। यहाँ मैंने देखा कि रिया कढ़ाई में तेल डाल रही थी और ये क्या बना रही है मुझे खुद नहीं पता है। फिर देखा कि यहाँ पर अदरक जीरा डाल दिया, मिर्च जाएगा साथ के, तो ये प्याज भी जाएगा। इसमें गया हल्दी आधी चम्मच, मसाला आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, इसमें जाएगा टमाटर आधी चम्मच, नमक। नमक क्या खाएगी मम्मी पाव भाजी? तो पेट भर से नहीं खा लेगी। यहाँ जो सारा सब्जी उबाला गया था वो सारा सब्जी को आलू मिक्सर से मिक्स किया जाएगा। उससे पहले हम मसाले में डालेंगे पानी, जो इसके अंदर पानी है हम अच्छे से साफ करके डाला था पानी, क्योंकि इसका पानी हम फेंकते नहीं है। फिर यहाँ बढ़िया से मसाला को फ्राई करेंगे, इसके अंदर सारे सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे कुकर के अंदर ही। मिक्स करने के बाद ये मेरा मतलब पाव भाजी, तो भाजी तैयार कर रही है यहाँ पर रिया, तो उसी को बढ़िया से मिक्स करके फिर इसके अंदर डालेगी। ये देखिए क्या कलर आया है हमारा मसाले का, अभी सिर्फ पाव भाजी का मसाला डालना है। इधर चाय, इधर पाव भाजी रेडी है हमारा। तो ये देखिए हमारा पाव भाजी मसाला आ गया है, जो जाएगा पाव भाजी मसाला। गरम पानी डालेंगे जब पार लेना प्रथम। एक तरफ हम लोग सब डब्बा चेंज कर रहे हैं, इसी के बीच बदल कर में कैसा गंदा लग रहा है, अभी इसको बना देंगे नया। डालेंगे धनिया पत्ता, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा रख लेंगे उसको, और सर्विंग टाइम जब हम डालेंगे डेकोरेशन के लिए। ये हमारा मसाला भूंगने के बाद ही इसके अंदर जो हमने सब्जी मिक्स किया है वो सारा जाएगा, क्योंकि बिना मसाले भूंगे सब्जी डालने पे इसकी फ्लेवर बहुत गंदी आती है, अच्छे से पकता नहीं है, तो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे को खिलाना है या तो बढ़िया से इसको पकाना पड़ेगा। तो सारे मसाला हमने अच्छे से भूंगा, उसके बाद जो मिक्स किया था हमने सब सब्जी आलू मिक्सर से, उस सबको इसके अंदर डाल के इनको भी अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद ये रेडी है एक तरफ से वाला। ये भाजी है जो हमारा भाजी, देखिए क्या कलर बहन से पानी और जाएगा। कह रही है कि 10 रुपए वाला बटर लेते हुए 10 रुपए का बटर प्लास्टिक डब्बे में आना है।
पहले जाती थी ना, मैं तुम्हें कुछ छोटा सा बोलता था दादा, बहुत पहले जब तुम मंडी जाती थी, 2012-15 में जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा भाजी तैयार हो गया। यहाँ रिया पाव को अच्छे से काटेगी। पाव हम आज ही फ्रेश लेके आए हैं, इसे फ्रिज में रखा हुआ मत यूज़ करिएगा। अगर आप घर में बना रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि बटर भी इसमें कम डालें। हम घी ही डालते हैं जब भी हम घर में बनाते हैं, क्योंकि घी इसलिए डालते हैं कि घी में कोई मतलब वो नहीं होता है कि हाँ ये खाने से फैट बढ़ता है, चाहे कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसलिए हम लोग पहले घी में ही करते ट्राई किए करने का। लेकिन फिर भी रिया का ये वाला फर्स्ट टाइम बना रही थी तो पहला तो जल ही गया था, तो रिया का याद हो गया है पहला तो जलाना ही है इसको, कुछ भी बनाना है तो। गाइस रिया का फिर से कुछ ना कुछ जल गया, इसके साथ ये हादसा हो ही जाता है। ये देखो 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 पाव भाई जला, ये रिया का रिजल्ट, इसे हुआ खराब। अब इसे हम बनाएंगे लोग फिर। मैंने इसको बताया कि पहले पाव को अच्छे से काटेंगे, इसको बढ़िया से पकड़ के, फिर मैंने इसको बोला कि बटर को हम दो हाफ कर लेंगे। दो हाफ करने से होता है दोनों ब्रेड हमें सेकना होता है, तो छोटे छोटे पीस में इसको करेंगे, फिर तवा पर इसको अच्छे से लगाएंगे पहले, फिर इस पर हम अपना ब्रेड डाल के एक साइड पकाएंगे, फिर इसको दूसरे साइड से पकाएंगे। तो इसको एक एक स्टेप करके पहले बताया, क्योंकि बच्ची ही है, बड़ी नहीं है, इसे कोई चीज़ किचन में कभी काम उतना करती नहीं, तो घबरा जाती है किचन में काम करने से, डर जाती है जैसे कुछ ख़राब होता है। तो भाई बड़ी है, घर में कभी ना कभी तो उसको बनाना ही पड़ेगा, तो चीज़ें सीखना तो ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि सीखने की कोशिश नहीं करती है, सब कुछ मतलब ट्राई करना चाहती है। अगर कुछ बनाते हैं मतलब ट्यूशन पढ़ाने के बाद ही, मतलब सुबह मॉर्निंग से पढ़ाती रहती है, शाम तक रात को 10 बजे आता है इसको पढ़ाते पढ़ाते, और उसके बाद भी किचन में कुछ कुछ सीखने की कोशिश करती है। तो जैसे जैसे मैंने किया सेम चीज़ इसने रिपीट किया, तो सच में चीज़ें एक एक फॉलो किया, तो सच में इसको भी करने आ गया। इसने भी वैसे ही ब्रेड को लगाया, फिर से तवे पर डाला ब्रेड, फिर इसको एक साइड से पकाया, जैसे भी किया बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। इसने बनाया सारा ब्रेड, इसने ही सेका, उसके बाद से सबको बढ़िया से बना के सबको दिया भी खाने के लिए। मतलब बहुत ही अच्छा बनाया था इसने, मतलब भाजी तो बहुत ही टेस्टी भाजी है, मैंने कुछ बताया ही नहीं था इसको, इसने भाजी खुद से ही बनाया था। तो यहाँ सारा ब्रेड इसने सेक लिया है, और यहाँ पे अब नींबू भाजी में डालना रह गया था, नींबू था ही नहीं घर से, तो बाहर से भाई लाने गया था। लास्ट में मैं धनिया पत्ता से इसको रेडी किया, ये हमारा पाव भाजी इस तरह से। ये अब प्याज लेंगे सब सलाद के लिए। अब लास्ट प्रोसेस का बारी रहेगी, अब हमें प्याज काटेंगे और उसके बाद हम अच्छे से सबके लिए प्लेट में लगाएंगे। लगाने के बाद ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा डेकोरेट किया है रिया ने प्लेट को, वो ऐसा लग रहा है जैसे पाव की भाजी के ऊपर जो डब्बे में पिक्चर नहीं होता, सेम चीज़ वही दिख रहा है। मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता। हे गाइस, तो ये था पाव भाजी रेसिपी। अगर आपको हमारा टूटा फूटा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करिएगा। अब लास्ट फाइनल आ गया समय खाने का, तो अब हम लोग अच्छे से सारे फैमिली मिलके, जैसे कि आप हर वीडियो में देखते हो, हम सारे मिलके इसे एंजॉय करते हैं। एक तरफ की है कि शाम को हम सारे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं और खाते हैं, अच्छे से इसे एंजॉय करते, तैसे बनाइए और खाइए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय की। सच में बहुत ही अच्छी बनी थी, मुझे तो सच में बहुत ही अच्छी लगी। बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा था इसलिए इसकी आवाज़ मैंने नहीं डाली, बट आप देख सकते हैं पाव भाजी कितनी ही मतलब देखने में कितनी प्यारी, सोचो खाने में कितनी टेस्टी लग रही थी। इस तरह से हम लोगों ने सब बैठ के अच्छे से इंजॉय किया और खाया। भाई प्लेट में एक भी पीस अगले दिन के नहीं बचा था, हम सोच रहे हैं कि अगले दिन खाएंगे, पर सब खा गए हम लोग, जला था वो भी खा गए। करण में से ले लो, हाँ ये वाला खाओ जिसपे वो बटर है,
वही खाऊंगी।